हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो हमने ना मसाला जो है मिक्स कर लिया है बेसन में। तो सबसे पहले हम लेंगे पैन, पैन में डालेंगे ऑयल। पैन में हमने ना ऑयल डाल लिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तो जो हमने पकोड़ों का मैटर तैयार किया है तो अब हम उसे फ्राई कर लेंगे। देखिए जो पकोड़े हैं वो अभी फ्राई हो रहे हैं, तो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। दूसरी बार भी हम ऐसे ही पकोड़े बनाएंगे। तो फाइनली पकोड़े तैयार हो चुके हैं, अब पैन में से बाहर निकाल लेंगे। तो इसी ऑयल में हम डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो इसके बाद हम डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। तो अच्छी तरह से हम ना भून लेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो अब हमने जो टमाटर मैश करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। और मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी देगी मिर्च। अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर तक तड़के को हम पकाएंगे। तो तड़का जो पक चुका है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और थोड़ी देर तक उबाल आने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। तो फाइनली उबाल आ चुका है और थोड़ी देर तक अब हम इसे और पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने लौकी के पकोड़े बना कर रखे हुए थे। और थोड़ी देर तक इसे पकाएंगे। ऊपर से हम डाल देंगे गरम मसाला। तो हमारी लौकी की सब्जी, लौकी के कोफ्ते बन के रेडी हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे।
आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।